नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लिफाफा टिप्पणी पर प्रियंका गांधी मुश्किलों में पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, प्रियंका गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर अब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब तलब करने की बात कही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से संबंधित लिफाफा टिप्पणी पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस भेजा गया। इसमें पोल पैनल ने 30 अक्टूबर तक अपना जवाब देने को कहा है। इससे एक दिन पहले भाजपा ने शिकायत सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की थी। भाजपा ने प्रियंका गांधी पर राजस्थान में चुनाव अभियान के दौरान झूठे दावे करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत धार्मिक भक्ति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था। चुनाव आयोग से भाजपा ने अपने निवेदन में कहा था कि प्रियंका गांधी ने 20 अक्टूबर को दौसा में एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा कि जब एक मंदिर में पीएम मोदी द्वारा जो है लिफाफा जो है दान पेटी में डाला गया, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा जो लिफाफा डाला गया, जब उसे दान से एक लिफाफा को जब खोला गया तो उसमें केवल 21 रुपए थे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी जनता को लिफाफे दिखाती है लेकिन चुनाव के बाद उसमें से कुछ नहीं मिलता। भाजपा ने अपनी शिकायत में उनकी टिप्पणी का एक वीडियो भी जो है शामिल किया था। भाजपा नेता ने सवाल उठाया था, तो आपको बता दें प्रियंका गांधी गुमराह कर रही है। इस संबंध में राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर ने भी कहा था कि प्रियंका गांधी राजस्थान के जनता को गुमराह कर रही। एक्स पर पोस्ट करते हुए राजेंद्र राठौर ने कहा कि जब पुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने झूठ क्यों बोला। कब तक कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी जी झूठ का सहारा लेकर राजस्थान की जनता को भ्रमित और गुमराह करने की कोशिश करेंगी। श्री देव नारायण जी, दान पेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिफाफा नहीं बल्कि नकदी डाली थी। प्रदेश की जनता सब समझती है, वह कांग्रेस के झूठ में नहीं फंसेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी और हरदीप सिंह पुरी ने भी इस मामले को लेकर आरोप लगाया था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ हम मिले हैं कि 20 अक्टूबर को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया भाषण के दौरान, और उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, आईपीसी के तहत अपराध किया, आरपी एक्ट का भी खुला उल्लंघन किया। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है कि भाई क्या प्रियंका गांधी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से भी ऊपर है क्या, किसी कानून को मानती या नहीं मानती है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको वो खुद एडमिट करती है बोलते हुए, मुझे पता नहीं है सही है कि गलत, और उसके बावजूद भी वो बोलती है और बोलती जा रही है। उसके साथ रिलेट कर रही है सरकारी योजनाओं का। धार्मिक भावनाओं से आप झूठ नहीं फैला सकते, दुर्भावना नहीं फैला, वैसे तो धार्मिक भावना से प्रचार ही नहीं कर सकते, लेकिन झूठ भी और धार्मिक भावना भी। प्रधानमंत्री जी, देव नारायण जी का जो मंदिर है मालासेरी डूंगरी, वहां जाते हैं कब, 28 जनवरी 2023 को। कब की घटना, 8 महीने पुरानी और एकदम झूठ, क्योंकि जो बाद में एक वीडियो जारी हुआ है पीएमओ से, आपने देखा भी है, मीडिया ने छापा भी है, आपने दिखाया भी है कि ये लिफाफे वाली बात झूठ है। इसके बावजूद भी देखिए, जानते हुए भी झूठ बोला है। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दरखास्त करने आए हैं, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से भी ऊपर है, आईपीसी से भी ऊपर है और आरपी एक्ट उससे भी ऊपर है क्या। तो जैसा कि आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हमने कांग्रेस नेता प्रियंका के एक बयान को लेकर चुनाव आयोग के सदस्यों से मुलाकात भी की। हम चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा आदर्श आचार संहिता के ऊपर है। कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि हम ईसीआई से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग जो है कर रहे हैं। अब इन सभी के मामले को लेकर अगर आप देखेंगे तो आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार अब पूरे जोरों पर है, और इसी बीच जो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ शिकायत कराने चुनाव आयोग जो है वहां पर पहुंचा था। 20th October, which is just a few days ago, she said, I don't know if this is true or not. Now the fact is, if she doesn't know whether it's true or not, she should not be talking about it. If she had cared to find out, and my take is that she knew that this was fake news, she would not have proceeded with it.
but she deliberately picked on a piece of news which had already been declared fake in the public domain, reiterated it and tried to create problems. These problems relate to many things. Look, I go to a Gurdwara Sahib or you go to a temple, anything, hum chadhava karwate hain, kuch, it's between me and the, it's my Lord, between you and the deity. It has nothing to do with what amount was put into a envelope or not put in. That was also proved to be false. So, I think the attempt here was, it was sinister. She is trying to rake up something which is non-existent, which is a fake piece of news, and she's putting it through religious sentiment into the political discourse at a time when the model code of conduct is operational. So I think at the very least, the election commission will look into this very seriously, and any further steps it takes, whether it is issuing a notice or filing an FIR, those are decisions which will emanate from the इलेक्शन कमीशन. प्रियंका पर धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया गया. इसके बाद अर्जुन राम मेघवाल कहते नजर आए कि कांग्रेस नेता ने 20 अक्टूबर को धर्म के नाम पर एक बयान देकर चुनाव प्रचार किया. इस मामले में चुनाव आयोग के सदस्यों से मुलाकात कर जो है शिकायत की गई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया. भारत के निर्वाचन आयोग से पूछना चाहते हैं कि क्या आचार संहिता के ऊपर प्रियंका गांधी वाड्रा है. उन्होंने आगे कहा कि धार्मिक भावना से कोई प्रचार नहीं किया जा सकता है, यह प्रचार नहीं है बल्कि दुष्प्रचार है. प्रियंका गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं. मंत्री मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को माला सिंह ढूंढे जाने की घटना का भी जिक्र किया और प्रियंका गांधी पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि लिफाफा वाली बात पर भी झूठ बोला है, जिसके बारे में स्पष्टीकरण भी दिया गया है. कांग्रेस नेता को नसीहत देते हुए मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में ट्रैक्टर से एक आदमी को कुचल दिया गया, उसको वहां पर जाना चाहिए. यूपी में हुए रेप की घटना पर तो उनके घर का जो है घर चली जाती है, लेकिन राजस्थान की घटनाएं नजर नहीं आती. उन्होंने कहा कि आज की घटना पर प्रियंका गांधी को जवाब जो है देना चाहिए. वहीं आपको बता दें कि ईसीआई पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह भी पूरी थे. उन्होंने भी सांसद अनिल बलूनी और ओम पाठक भी इस मामले में शामिल थे, उनका भी बयान था इस मामले पे. तो राजस्थान के चुनावी दंगल में प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद 21 रुपए के लिफाफे वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है. इस बाबत चुनाव आयोग की ओर से वाड्रा को नोटिस भी दिए जाने के बाद बीजेपी भी प्रियंका गांधी पर जमकर हमलावर हो गई है. पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कहा कि कांग्रेस सफेद लिफाफे का सफेद झूठ है जो है सहारा ले रही है. प्रियंका ने 20 अक्टूबर को राजस्थान के दौसा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्होंने टीवी पर देखा कि पीएम मोदी ने एक मंदिर के लिफाफे में भरकर दान दिया. जब खोला तो उसमें से महज 21 रुपए निकले. उन्होंने आगे जो है उस वीडियो को फिर अपनी प्रतिक्रिया जो है जाहिर की. जिस तरीके से प्रियंका गांधी पर अब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है और उन्हें जवाब दाखिल कराने के लिए कहा, इस पर शहजाद पूनावाला ने कहा कि प्रियंका गांधी अपनी पार्टी कांग्रेस के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड देने के बजाय सफेद लिफाफे पर सफेद झूठ का सहारा ले रही है. और क्या कुछ कहते नजर आए पूनावाला, जरा सुनिए. कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में मतलब लूट और झूठ की सरकार, और अब तो झूठ पकड़ा गया. जो झूठ प्रियंका वाड्रा जी ने देवनारायण मंदिर में तथाकथित लिफाफे के हवाले से कहा था, वो दरअसल प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के झूठ के पिटारे में से एक और झूठ था. और अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी मान लिया कि ये झूठी बात बोली गई थी प्रियंका वाड्रा के द्वारा. आज इलेक्शन कमीशन ने नेता प्रतिपक्ष की शिकायत का याचिका का संज्ञान लेते हुए प्रियंका वाड्रा को शो कॉज नोटिस जारी किया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो प्रथम दृष्टया वायलेशन नजर आ रहे हैं उनके बयान से, मतलब कि उन्होंने झूठ बोला है, उस पर उपयुक्त कार्रवाई क्यों न की जाए. प्रियंका वाड्रा जी और कांग्रेस पार्टी, आपने तो 4.5 साल केवल लूट मचाई और जनता से झूठ बोला. जनता को कितना झूठ बोला, किसानों को झूठ बोला कि आपके कर्ज माफ कर देंगे, किसानों की जमीन जो है नीलाम कर दी. महिलाओं को झूठ बोला कि सुरक्षा देंगे, महिला उत्पीड़न में नंबर वन बना दिया. युवाओं को झूठ बोला कि अवसर देंगे, बेरोजगारी में सबसे आगे निकल गया राजस्थान. और किस प्रकार से 18-18 पेपर लीक हुए, तो युवाओं को भी धोखा दिया, आम आदमी को भी धोखा दिया. सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल का वैट, तो सब वर्ग के लोगों को झूठ बोलने के बाद अब जनता के बीच, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड नहीं है, तो लिफाफे को लेकर कभी झूठ बोलना, कभी और किसी विषय पर झूठ बोलना, कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी. अगर प्रियंका वाड्रा जी और कांग्रेस पार्टी ऐसी बात जो वीडियो में दिख रही है, जो टीवी पर दिख रही है, उसके बारे में झूठ बोलेगी, तो क्या उनकी गारंटी पर यकीन किया जा सकता है. इन्होंने हिमाचल की जनता को झूठ बोला, वहां पर एक गारंटी पूरी नहीं की. कर्नाटक की जनता को झूठ बोला, वहां पर एक गारंटी पूरी नहीं की है ठीक से. और छत्तीसगढ़ में तो इतना बड़ा धोखा दिया है,
पांच साल निकल गए झूठ ही बोलते रहे। कांग्रेस मतलब लूट, झूठ और बची कुची जो उनकी सरकार है वो चलती है फूट के आधार पर। कांग्रेस मतलब लूट, झूठ और फूट। तो जैसे कि आपने सुना कि पूनावाला ने कहा कि प्रियंका गांधी के इस तरह के झूठ का मकसद लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना है, उनका यही काम है। उन्होंने कहा कि देवनारायण मंदिर में पीएम मोदी द्वारा दिए गए लिफाफे के बारे में प्रियंका गांधी वाड्रा का झूठ, जिसे पूरी दुनिया देखे, एक फर्जी खबर थी। चुनाव आयोग ने इस खारिज कर दिया। कांग्रेस अब आप काम का रिपोर्ट कार्ड देने के बजाय सफेद लिफाफे पर सफेद झूठ का सहारा ले रही, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। वही राजस्थान के अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए पूनावाला ने कहा, अपने झूठ की संस्कृति के प्रति ईमानदार कांग्रेस ने न केवल राजस्थान के लोगों से झूठ बोला, बल्कि जब वो जनता के बीच जा रहे तब भी उसे झूठे दावे कर रहे। उन्हें राजस्थान की महिला, युवा और जो है किसानों से झूठे वादे किए। यह लूट और व्यापार भ्रष्टाचार की सरकार है। तो आप देखिए लगातार इस मामले में बयानबाजियां की जा रही है, लगातार प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिल रही है। अब जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अब इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस जारी किया है, जवाब दाखिल करने के लिए बोला है, यह इनके लिए बहुत बड़ा जो है झटका बताया जा रहा है। यही नहीं, इस मामले पर जिस तरीके से अब ये सारा मामला देखने के लिए मिला है, इसी द्वारा अब उन्हें जो है लेटर भी जो है आपके ये कि नोटिस जारी कर दिया गया है, कह रहे हैं जवाब देने के लिए इस मामले पर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। जिनने कभी मंदिर में फूल नहीं चढ़ाए वो लिफाफों की बात कर रही है, और लिफाफा तो मोदी जी ने, ऐसा कोई देश का आदमी नहीं है जिसको 3 साल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, उनसे पूछो लिफाफा खाली है कि भरा। प्रधानमंत्री आवास का पैसा जो बिचौलिए खा जाते थे, जो 100% पहुंचता है, उनसे पूछो कि मोदी का लिफाफा खाली है भरा। किसान सम्मान निधि जो सीधे 2000 खाते में पहुंचती है, उस किसान से पूछो कि मोदी का लिफाफा खाली है या भरा। और मैं शौचालय, जल जीवन मिशन, आयुष्मान कार्ड ऐसा है कि ये कभी कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा। किसी को दरवाजे पर फूल नहीं चढ़ाए वो लिफाफे गिनते हैं, ऐसे लोगों से देश जानता है, इनसे सावधान है। विरासत और परंपराओं का मजाक उड़ाना कांग्रेस की फितरत है, और ये तुष्टीकरण में अंधे होते हुए कांग्रेसी हैं। परिवारवाद में कांग्रेस पागल हो गई है, और उसी का परिणाम है कि टिकटें बदलनी पड़ रही है। पर उनका अध्यक्ष कहता है कि कपड़े फाड़ेंगे, उसको पूरी ईमानदारी से कांग्रेस ही मान रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिन्होंने कभी मंदिर में फूल नहीं चढ़ाए वो लिफाफे की बात जो है आज करते हुए नजर आ रहे हैं। 80 करोड़ जनता जो है वो फ्री राशन उनको मिल रहा है, वो भी 3 सालों से मिल रहा है, और उनसे पूछे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लिफाफा है वो खाली है कि भरा हुआ है। कांग्रेस जो है इसे कभी भी नहीं समझ सकती है, कांग्रेस की राजनीति वही है। लेकिन लोगों को इनके बारे में बहुत बढ़िया से पता है कि किस तरीके के लोग जो है ये है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।